नववर्ष के आगमन पर स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को बैंक यूनियन की ओर से आज जूते, मोजे, स्वेटर और फल वितरित किए गए। इस मौके पर बैंक एम्प्लाइज यूनियन के अध्यक्ष जगमोहन मेहंदी रस्ता ने बताया कि हर वर्ष बैंक एम्प्लाइज अपनी निधि से बच्चों को जरूरत की चीजें वितरित करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यह कार्य सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, परंतु इसके लिए समाज के हर वर्ग को आगे आकर गरीब बच्चों की सहायता करनी चाहिए। बैंक एम्प्लाइज यूनियन हर वर्ष बच्चों को उनकी जरूरत का सामान वितरित करने का कार्य करती है और यह कार्य आगे भी निरंतर चलता रहेगा। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। संगठन ऑल इंडिया बैंक हमेशा अपने वेतन भत्तों के अलावा सामाजिक सहभागिता के कार्यक्रमों में हमेशा अग्रणी रहा है। तमाम, चाहे सुनामी हो, चाहे उत्तराखंड की आपदा हो, हमने समय समय पर और हर वर्ष कैनरा बैंक एम्प्लाइज यूनियन तमाम संगठन है, कैनरा बैंक एम्प्लाइज यूनियन यहाँ का शीर्ष संगठन है, हर साल इसी तरह के सामाजिक कार्यक्रम करता रहता है। और आज हमने इस 3-4 वर्ष पूर्व भी हमने इस स्कूल में सामान वितरित किया था, आज फिर हम उसी सामाजिक सहभागिता के कारण गरीब बच्चों को शूज़, स्वेटर और फल फ्रूट का वितरण कर रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारा ये संगठन हमेशा इसी प्रकार अपने वेतन भत्ते, अपनी लड़ाइयों के अलावा सामाजिक कार्यक्रम में हमेशा तत्पर रहा और हमेशा तत्पर रहेगा। मैं इसमें एक बात ये भी मानता हूँ कि हिंदुस्तान की जनसंख्या बहुत कम है, सरकार को काम करने चाहिए, लेकिन एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हमारा भी फर्ज है कि हम भी समाज के उन पिछड़े, अगर हम सक्षम हैं तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसी के कारण हमारा संगठन ये हर वर्ष इसी प्रकार के कार्य करता और हमेशा भी करता रहेगा।